नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। लद्दाख के दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। अब राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि लद्दाख की स्थिति अब 20 साल पहले वाली नहीं रही। भारत लद्दाख में काफी मजबूत हुआ है। वहां पर भारत के तमाम रक्षा यंत्र भी मौजूद है। जहाँ 20 साल पहले तक वहाँ पर एयरबेस नहीं था, वहीं सेना के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, ना ही तोपों को वहाँ पहुँचाया गया था। लेकिन आज की डेट में भारत पूरी तरीके से लद्दाख में मुस्तैद। कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिली विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहाँ से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हों या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है।